कोरोना कहर थमने के बाद अब उपचुनाव की हलचल तेज होती दिखाई दे रही है, जहां जोबट में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से दावेदारों ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना कहर थमने के बाद तेज हुई उपचुनाव की हलचल, जोबट में कांग्रेस उम्मीदवारों ने दिखाया दम। प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा के सामने ठोकी टिकट की ताल। उपचुनाव के लिए टिकट पाने को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। अलीराजपुर जिले में आने वाली जोबट विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस में दावेदारों ने दम दिखाना शुरू कर दिया है, जहां दिवंगत विधायक कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा और विधायक रवि जोशी के सामने ही दावेदारों ने एक दूसरे को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। कुछ बागी लोग भी शामिल हुए हैं पार्टी में, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब माननीय कलावती भूरिया जब चुनाव लड़ रही थी, तो कलावती भूरिया के सारे सपने, सारी पार्टी 50 सालों की जो आस्था की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नाम पर, वो आस्था कहाँ गई थी? जो 2 मिनट में बदल गए और तुम चुनाव लड़ने से खड़े हो गए सामने कलावती भूरिया को अगर श्रद्धांजलि देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी अब इनको काम करने की जरूरत है पार्टी में, और काम करें, उम्मीदवारी ना दिखाएं। उस टाइम हमारी बहन की आत्मा, अगर इन परिवार में टिकट देते हैं तो कलावती बहन की आत्मा को दुख पहुंचेगा, और कलावती भूरिया के कार्यकर्ता और छोटे भाई मोनू बाबा को ये चीज हजम नहीं होगी। ये स्पष्ट चेतावनी है, जैसा भी समझो समझ लो, लेकिन ये कहना है कि मेरी बहन की आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने उसको परेशान किया है वो टिकट की उम्मीदवारी में उतर आए हैं। पार्टी का काम करो, स्वागत है आपका, पार्टी का काम करो, ये मत सोचो कि मैं उम्मीदवार बन जाऊं। आए गए 3 बार मैं गई, हमने क्या कुछ काम नहीं किया क्या? 1.5 साल में सब काम हो गया क्या? मैं पूछना चाहते आप लोगों से, भाइयों जो भी काम हुआ बताना चाहिए, ये एक छिपाने वाली बात मत करो, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो, और कांग्रेस में ही ऐसे लड़ते रहोगे तो झगड़ते रहोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। भाई पार्टी के लोग आए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ताकि पार्टी में झगड़े फेक्शनबाजी चल रही है, ये क्या राजनीति हो रही क्या? भाई बाहर के लोगों को बुला के सब उनको क्या तमाशा बताना चाहते आप लोग? पार्टी को मजबूत करना, अभी चुनाव आए, हमारी कलावती बहन नहीं रही, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनके उपचुनाव आए, उसके काम करना है, उसके अधूरे सपने को पूरा करना है, ताकि यह आपस में झगड़ने के लिए नहीं आए। दावेदारों के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद खुद कुलदीप इंदौरा ने मंच संभाला, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं को समझाइश देते हुए संगठन के लिए काम करने की बात तक कह डाली। आप ये मंच पर आकर जिस तरह की बातें हम बोलते हैं, क्या ये हमारे पार्टी के लिए या हमारे संगठन के लिए क्या सही है? क्या हमारे कांग्रेस पार्टी में इस तरह की विचारधाराएं चलती हैं? जब हमने एक ही बात कही कि हम कार्यकर्ता से पूछ के, वहाँ के लोगों से पूछ के फिर टिकट तय करेंगे, आज रवि जोशी जी पहले भी आए हैं, कितनी बार पहले भी आ चुके, उससे पहले भी ये संपर्क में हैं, और भी हमारे महिला कांग्रेस की धार से अध्यक्ष जी को यहाँ भेजा गया है, पोस्टरों लगा कर तू भेजा गया है ताकि आपकी राय जान सके, और उसके बावजूद भी हम मंच पर खड़े होकर हम ये कहें कि फलां व्यक्ति को हमने शामिल किया, फलां व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था, ये बातें हमारे पार्टी और संगठन के लिए सही नहीं। पार्टी में निर्णय किए जाते हैं सबकी राय से किए जाते हैं, पार्टी में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, और इस चुनाव के टिकट होने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग छोड़कर चले जाएं, कुछ लोग हमारे जो छोड़ के जिन लोग को जाना होगा वो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, जिसमें लोग आते हैं जाते हैं, और आने वाले का हमने स्वागत करना चाहिए। कोई कांग्रेस की ओर से जोबट विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए विधायक रवि जोशी ने भी कांग्रेस नेताओं और दावेदारों को समझाते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मन भेद नहीं होना चाहिए,
वास्तविक में हम कांग्रेस के इस मंच पर बैठे हैं। कांग्रेस एक समुद्र है, कांग्रेस सागर है, जिसमें सब लोग समा जाते हैं, हम सबको समाना है। और आज संकल्प लेने जाए कि जो अगर आज कुछ बातें हुई, आज के बाद दोबारा ये बातों की पुनरावृत्ति नहीं हो। कांग्रेस पार्टी में एक दर्जन लोग टिकट मांग रहे, ये बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस इतनी विपरीत परिस्थिति में उसके बाद जो जोबट को उपचुनाव में एक दर्जन लोग टिकट मांग रहे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद दो की गिनती होकर समाप्त हो गई। शिवराज सिंह एक काम करेगा, अभी से सबको फोन लगाएगा, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरा उम्मीदवार तुम। अरे कोई तेरे उम्मीदवार तेरे को ढूंढे मिले, तेरे को उम्मीदवार तेरी पार्टी में नहीं मिलेंगे। कांग्रेस से आने वाला कोई नहीं है, अब सब मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। मैं आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूँ कि जितने मंडल हम अध्यक्ष हैं, अभी बात चली कि ब्लॉक कमरू भाई ने बोला कि हम ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों से आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी आप लोगों के बीच इसीलिए आए, टिकट भोपाल से नहीं बटेगा, टिकट आप लोगों के कहने से और जोबट के अंदर अलीराजपुर में जहाँ फार्म भराएगा वही बटेगा, किसी को भोपाल जाने की जरूरत नहीं टिकट मांगने के लिए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि लड़ाई लंबी है जो हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लड़ाई लंबी है, और जो भी इस लड़ाई का निर्णय होगा वो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। साथियों, ये चुनाव सिर्फ जोबट का भविष्य नहीं निर्धारित करने वाला, ये चुनाव मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं आएगी वो निर्धारित करने वाला। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, स्वर्गीय विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया, सुलोचना रावत, विशाल रावत और महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव शोभना ओंकार शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जोबट।